तो साल की शुरुआत से उत्तराखंड का शहर हल्द्वानी की पूरे देश में चर्चा है और इसकी जड़ में है रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ हाईकोर्ट और प्रशासन का अल्टीमेटम। विपक्ष इस मामले को सांप्रदायिक रंग दे रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी करने वाला है, लेकिन इन सब के बीच टाइम्स नाउ नव भारत हल्द्वानी का वो सच आज दिखाने जा रहा है जो आपने अब तक कहीं नहीं देखा होगा। एक ऐसा सच जो अवैध कब्जा करने वालों और उनका समर्थन करने वालों की पोल खोल कर रख देगा। हल्द्वानी के अवैध कब्जे पर सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है और खुलासा ये कि जिस जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया वहां से रेल लाइन गुजरती है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साल 1844 में बनी रेल लाइन पर देखिए किस तरीके से गफूर बस्ती को बसाया गया। 1884 में ये बस्ती है। लोगों ने रेलवे ट्रैक को गायब कर घर यहाँ बनाए हैं। रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बाजार बनाया गया है और अब तो वहां पर क्या क्या बन गया है तमाम चीजें सामने आई है। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर जिसका नाम आपने बहुत बार सुना है। लोग यहाँ पर जाते हैं और देखिए 1884 की बिछी रेल लाइन पर अवैध कब्जा किया गया है। अवैध कब्जा क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि लोगों ने रेलवे ट्रैक को गायब करके वहां पर घर बना दिए हैं। रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बाजार बनाए गए हैं जहां पर अब लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत सबसे पहले और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है क्योंकि इस वक्त इस पर राजनीति हो रही है, सवाल उठ रहे हैं और खुलासा ये है कि जिस जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया वहां से रेल लाइन गुजरती है। ये देखिए ये वही रेल लाइन है 1884 की बिछी रेल लाइन पर अवैध कब्जा किया गया। ये कैसे हो गया ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए हम आपको सबसे पहले यानी कि टाइम्स नाउ नव भारत आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर अब कब्जा कर लिया गया है। रेल लाइन पर गफूर बस्ती बस चुकी है, यहाँ पर स्कूल्स बन चुके हैं, मस्जिद है, मंदिर है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अभिषेक सिन्हा ने ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है जिससे हल्द्वानी मामले में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है।